Good morning, 11:24, and pretty much mid-January. माफ कीजिएगा, सर्दियाँ और जुकाम और गला ना खराब हो तो उनको सर्दियाँ तो नहीं कहेंगे. तो आज मैं जा रहा हूँ व्यूअर्स, आपका अल्लाह भला करे, क्या नाम है, लेक शोर की तरफ. लेक शोर एंड ब्राउन्स लाइन, वहाँ एक रेस्टोरेंट है 12 बजे करीब. हमारे मेरे जो क्लाइंट है वो पहुँचेंगे और मैंने कहा चले आपको भी साथ ले चलता हूँ, क्योंकि अकेले जाने में तो मुझे काफ़ी वो होता है. व्यूअर्स मेरे साथ होते हैं तो मेरा सफ़र जो है अच्छा कट जाता है. दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं जाने के. मैं थोड़ा सा अर्ली निकला हूँ ताकि, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा था तो बहुत स्लो चलाता हूँ, 12 बजे की अपॉइंटमेंट है. ज़रा लेफ्ट साइड पे मैं देख लूँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है. चलो, कोस्ट इज क्लियर नाउ एंड आई कैन गो. अच्छा, दो रास्ते हैं जाने के. एक तो ये है कि लेक शोर और ब्राउन्स लाइन पे अगर मुझे जाना है तो मैं यहाँ से 401 लूँगा, आई मीन 403 ईस्ट, 401 ईस्ट, 427 नॉर्थ, और वहीं से जो है उसकी एग्जिट निकलती है, ओनर की या ओनर की व्हाटएवर. दूसरा रास्ता है कि मैं अंदर अंदर जाऊँ. अंदर अंदर जाने का मतलब ये है कि टेक लिटिल टाइम, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होगी इलाके की. ये तो खैर पुराने इलाके हैं, जो पुराने मेरे देखने वाले हैं, ये हरंटारी और स्कारवन का जो मेन हब है डाउनटाउन में सागा का, ये तो सब ने ही देखा हुआ है. अब ये एग्जिट आ रही थी, मैंने इसको मिस कर दिया. अब मैं जाऊंगा लेक शोर लेके. तो आप लोग जो है ना लेक शोर की थोड़ी सी सैर करेंगे, और लेक शोर ड्राइव जो है ये तकरीबन अमेरिका के हर शहर में जो लेक के बराबर में है तो उसको लेक शोर ड्राइव कहते हैं. चाहे वो शिकागो हो या कोई अदर दूसरा सिटी हो, आपको लेक शोर ड्राइव ज़रूर मिलेगी अगर उसके बराबर में लेक है तो. तो मैं यहाँ से सीधा लूँगा हरंटारियो लेके. हरंटारियो है ये, इसको हाईवे 10 भी कहते हैं. ब्रैम्पटन में ये मेन स्ट्रीट बन जाती है और यहाँ पर ये हरंटारियो होती है. आज वेंसडे का दिन है और बड़ा ही, नो आज ट्यूसडे का दिन है, सॉरी, आज ट्यूसडे का दिन है और हर तरफ सुनसानी का आलम है. अंदाज़ा लगा लें कोविड ने कितना असर किया है. यहाँ पर रात को कल तक इस बात की धमकी थी कि यहाँ पर कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन रात 8 बजे से इस तरह मॉन्ट्रियल के अंदर है, केसेस यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. तो आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या नाम है, कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन रात में इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि नहीं, दे पोस्टपोन इट टू द नेक्स्ट वीक. तो इट्स अ गुड न्यूज़. तो कल इस चक्कर में तमाम ग्रोसरी स्टोर्स पे लंबी लंबी लाइनें. मुझे कास्को जाना था कुछ अपनी मेडिसिन उठाने के लिए, तो ये अच्छी बातें भी हैं, ये लोग प्रोटोकॉल बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं. तो कास्को में अगर आप जाके कह दें, वैसे ये एक, अगर आप मिसयूज़ ना करें, तो लोग मिसयूज़ भी करते हैं, कि मुझे फार्मेसी में जाना है, तो वो फिर आपको यू डोंट हैव टू गो थ्रू द लाइन, अदरवाइज लाइन गोज अनएंडिंग लाइन. मैं यही कहूँगा कि लंबी तरीन लाइन. 3-4 दिन पहले की बात है कि हमें सुबह ही सुबह कास्को जाना पड़ा. कास्को की प्राइसेस जो है बहुत ही, बहुत ही रीजनेबल, मार्केट से बहुत ही कम होती है. तो मैं जब सुबह के वक्त गया हूँ कास्को पे, कास्को ने 8:30 बजे खुलना था, 7:45 का टाइम था, और लाइनें जो थी वो मेन स्ट्रीट को छू रही थी.
तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अर्ली लोग गए होंगे वहां पर। खैर आए, मैं वापस आ गया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। तो इस लॉकडाउन की वजह से जो एक पैनिक फैला हुआ है, लॉकडाउन तो है ही ऑलरेडी, आई मीन कर्फ्यू की वजह से बहुत ज्यादा रश है। तो चले मैं एक आध कमेंट की तरफ चला जाता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं, मेरी बहुत सारी वीडियो इस तरह मैंने पहले कहा उसके ऊपर, हालांकि उस पर लोगों के कमेंट्स एंड आंसर्स के हैं, लेकिन मैं डाल रहा हूँ एक एक करके, लेकिन उस पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। बल्कि मेरे एक जानने वाले हैं और वो मेरे सब्सक्राइबर भी थे, तो कल उनको मकान भी दिलाया, सऊदीया से आए थे, तो कहते हैं खालिद भाई क्या पुरानी वीडियो डाल रहे हैं। मैंने कहा बॉस अभी तो जो आपको मकान दिखाने के लिए अलिस्टन पे मैं गया था लेके, अलिस्टन नॉर्थ ऑफ ट्रोनो, तो वो तक वीडियो पड़ी हुई है, तो जॉर्ज टाउन का तो बारी पता नहीं कब आएगी। कहते नहीं यार आप नई नई वीडियो डालें, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो एनी आओ अब मैं ये जो करंट वीडियोज है इनको डालूंगा और उसके बाद बीच में जो बैकलॉग है उसको खत्म करूंगा ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो है बहाल रहे। चले तो मुझे इस पे माजरत कर दीजिएगा अगर मैं किसी का नाम जो है सही तरीके से ना पढ़ पाऊँ, और मैं पढ़ूंगा उसी वक्त जब लाइट बंद होगी, आई मीन देयर इज अ रेड लाइट, या मुझे थोड़ा सा गैप मिलेगा। कुछ तो रामदान, मैं नाम माफ कीजिएगा, उन्होंने मेरी एक वीडियो थी लाइफ इन कनाडा, उसको नाइस वन कहा, थैंक यू वेरी मच जी। इन्होंने कहा आई एम अ रियल्टर टू, आई वांट फ्यू इन्फॉर्मेशन इफ यू कैन हेल्प मी। मैं दो चार वीडियोस में पहले रियल्टर्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, बट एनी हाउ सिंस यू प्रॉब्ली ज्वाइंट रिसेंटली। देखिए रियल्टर का जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में जिस तरह होता है कि एक अच्छा सा फैंसी, अगर छोटा मोटा टाइप का रियल्टर है तो किसी भी दुकान में एक टेबल और दो बेंच रख के बैठ जाए। मुझे इंडिया का नहीं पता, पाकिस्तान में तो या ऊपर एक ट्रैवल रियल एस्टेट एजेंसी का बोर्ड लगा दे, यहाँ ऐसे कहानी नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू सर्टन रिक्वायरमेंट्स। पहले तो अगर आपकी यहाँ के हाई स्कूल है तो आपको इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, अगर आप बाहर से आए हैं इमिग्रेंट है तो आपको इसका एक छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट होता है और बड़ा ही माइनर सा होता है, उसको शायद ये $50-100 लेते हैं मुझे याद पड़ता है, तो वो टेस्ट आपको पास करना होगा, वो बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उससे वो दे जस्ट नीड टू नो कि आपकी इंग्लिश की कितनी जानकारी है। उसके बाद मैं पिछला नहीं बताऊंगा, जो पीछे काफी आसान हुआ करता था, अब जो है ये अंबर कॉलेज को दे दिया गया है। अगर आप रियल एस्टेट का कोर्स करना चाहते बगैर कोर्स किए बगैर लाइसेंस हुए आप, और गालिबन पुलिस सर्टिफिकेशन भी चाहिए होती है, और यू हैव टू बी ए PR एंड कैनेडियन सिटीजन। अच्छा अब आपको क्या नाम है, क्या कह रहा था मैं हाँ, तो वो ऑनलाइन कोर्स भी है लेकिन थोड़ा सा टफ कर दिया है, उसके मॉड्यूल्स डिफरेंट कर दिए गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि मेरे जैसे भी लाइसेंस लेके मैदान में आ गए जिनको कुछ भी नहीं आता था, तो उसको रोकने के लिए, और चूंकि इस वक्त 70,000 रियल्टर है सिर्फ ओंटारियो में, एक रफ फिगर बता रहा हूँ, इन बिटवीन 60,000-70,000 रियल्टर्स। तो जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो तब आप प्रैक्टिस करते हो, और लाइसेंस लेने के बाद आपको किसी भी ब्रोकरेज से आपको अटैच होना पड़ता है। अटैच होने का मतलब है जिस तरह सेंचुरी 21 है, रीमैक्स है, किंग्सवे है, होम राइट है, आई प्रो है जिससे मैं अटैच हूँ, सिटीस्केप है, तो किसी भी उसके साथ आपको, और आपकी हर हरकत और आपको इसकी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है सालाना क्लोज टू अबाउट $400-500 एरर एंड ओमिशन क्या है EOE जो कहला एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट, तो आपको उसकी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। फिर आप किसी बोर्ड से अटैच होते हैं, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड है, ब्रैम्पटन बोर्ड है, वाटरलू बोर्ड है, या आपका मिसागा बोर्ड है, फिर आप उससे अटैच होते हैं और ब्रोकरेज के साथ आप होते हैं। बोर्ड से अगर आप अटैच नहीं होंगे तो MLS की आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। MLS की एक्सेस के लिए आपको टोटल खर्चा कोर्स का जो है $3,000-4,000 लगा लें आप। ये मैं आपको प्राइस जो है, ये फीस जो है, मैं आपको ये पुरानी उसकी बता रहा हूँ, आजकल क्या है मुझे नहीं पता। इसका बेस्ट जो है वो है कि आप
अंबर कॉलेज HUMBERH फॉर हेनरी, U फॉर अम्ब्रेला अंबर, M फॉर मैरी, B फॉर बाप, E फॉर इको, R रॉबर्ट। तो अंबर कॉलेज के उस पर जाएं और साथ ही लगा दें रियल एस्टेट कोर्स इन ओंटारियो, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सालाना खर्चा अगर किसी बोर्ड को ज्वाइन करते हैं तो आपका 3000 का, दो से 3000 डॉलर का खर्चा है, जिसके अंदर आपके क्रिया की फीस होती है, एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस की वो होती है, बगैर इंश्योरेंस के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अगर आप किसी बोर्ड के साथ अटैच होते हैं तो तकरीबन 1000 डॉलर का वो खर्चा होता है। बोर्ड से अटैच हुए बगैर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी MLS की एक्सेस नहीं होगी। MLS से मुराद मल्टी लेवल मल्टी लिस्टिंग सर्विसेज। मैं राइट साइड पे पुलिस वालों को देख रहा था, पूरा ग्रुप का ग्रुप खड़ा है, क्या कर रहा है, नो आइडिया। तो ये हो गई बात रियल एस्टेट से के रिलेटेड। तो मैंने आपके सवाल का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन, आपने कहा था कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस तरह। एक और सवाल आया था कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट का कोर्स कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इससे पहले ये CDI कॉलेज, हर्षिंग कॉलेज, मैं हर वीडियो में इसका जिक्र करता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं। कि मुझे ये नहीं याद रहता कि किस वीडियो में मैंने कहा था और किस वीडियो में, तो मैं बता दूं लग गया तो, कि अब ये जो चला गया ये क्वींस कॉलेज की तरफ चला गया है। किंगस्टन में, किंगस्टन एक सबब है, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर कह लें, टाउन है बल्कि, सॉरी सबब कह रहा हूँ, ईस्ट ऑफ ऑन वे टू मॉन्ट्रियल, 401 के ऊपर आता है ये सब टाउन। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में दे दिया गया, तो बाकी आप जो है ना, अगर आप गूगल करेंगे तो आपका इसके बारे में पता जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाएंगे अगर मैं बारी बारी एक ही इन्फॉर्मेशन को बारी बारी रिपीट करूँगा। चलें आगे, लाइट आती है तो फिर मैं बाकी के, अच्छा अब मैं ये आ गया हूँ लेक्चर पे। ये आप लोगों ने देखी हुई है मेरी समर की बहुत सारी वीडियोस के अंदर, इस इलाके को जो नए जुड़े हैं लोग उनके लिए एक नया रास्ता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे बहुत ही रेगुलर किस्म के सब्सक्राइबर्स हैं, दे नो इट वेरी वेरी वेल। चले जी, मैं यहाँ से लेफ्ट बनाता हूँ, वीडियो लंबी होगी। चले जी, नेक्स्ट मोहम्मद हसन शेख साहब ने लाइफ इन कनाडा के बारे में कहा है, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, नाइस वीडियो सर। नूर सहर साहब ने, अब मुझे नहीं पता कि ये मेल या फीमेल, साहबा कहूँ या साहब सहर, आई डोंट नो, मे बी। अस्सलाम वालेकुम, लाइक योर व्लॉग्स, बट अ लिटिल थिंग दैट आई हैव नोटिस इन योर व्लॉग्स, यू नेवर से सलाम। एनीवे, गुड वर्क, कीप इट अप, मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू जी, मे अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू फॉर राइटिंग ऑल दैट कमेंट, एंड आई आंसर्ड यू ओवर द यूट्यूब के उसके जरिए, जो कमेंट्स का जो रिप्लाई होता है उसके जरिए मैंने आपका देखा। सर मैं आपको बताऊं, मैं अभी उस दिन कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब के ऊपर देखता हूं कि किन मिल्कों में मेरे ऑडियंस कहां कहां है। तो मैं जो हूं तकरीबन 90 मुल्कों में देखा जा रहा हूं इस वक्त, जो मैंने काउंट किए थे उसमें ये वो थे जहां पर 1% एंड अबव जो ऑडियंस है, ऑल द वे टू मेजॉरिटी कहाँ देख रही है। मेजॉरिटी में इस वक्त जो है 61% के करीब जो था वो इंडिया था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान, फिर सऊदी, और क्या नाम है, मिडल ईस्ट के कंट्रीज, और कनाडा भी अच्छी खासी थी, फिर पूरे यूरोप में, और फिजी और कैरेबियंस और लैटिन अमेरिका एंड ऑल ओवर। तो देखें, डेफिनेटली या तो मैं जहाँ, जिस तरह यहाँ के रेडियो वाले हैं, तो मोस्टली जो रेडियो स्टेशंस हैं, क्योंकि वो भी एक मल्टी नेशनल या मल्टी कल्चरल, सर्दी हो गई है तो मैंने कहा कि हीटिंग चला लीजिए, ठीक ठाक सर्दी है, इस वक्त टेम्परेचर जो है 1 डिग्री है, लेकिन सर्दी है। लेकिन सर्दी का यह है कि 25 के बाद शदीद सर्दी की लहर आ रही है, और पिछले साल सेम 2020 में इन दिनों में -18 और -20 टेम्परेचर था, और अब तक वी हैव बीन ब्लेस्ड। तो एनी हाउ, तो चलें सलाम और उसकी बात कर लेते हैं। तो जिस तरह यहाँ के रेडियो वाले हैं, बहुत सारे, मैं यू कैन इवन काउंट कितने रेडियो स्टेशन हैं जो घंटे घंटे की स्लॉट लेके अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो है फ्रॉम इंडिया है, और अच्छी खासी तादाद पाकिस्तानी रेडियोज की भी है।
5:30 a.m., 77 a.m., 16:50 a.m., 89 a.m. I believe, or is it 10:10 a.m. is betasha. Make it short. तो वो जिस तरह इंडियन वाले जिस तरह तो हैं इंडियन रेडियो है वो सलाम नमस्कार नो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग तो मैं इतना लंबा चौड़ा करूं तो उससे अच्छा है कि हेलो व्यूअर्स गुड मॉर्निंग जो भी एक इंटरनेशनल वो है उसको वो करता हूं तो मैं आपकी किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा गुड मॉर्निंग भी सुबह बखैर का ही तर्जमा है और सलामती ही होती है सबके लिए आई एग्री विद यू तो प्लीज डोंट टेक इट टू मच सीरियस तो गुड मॉर्निंग इज आई थिंक या गुड इवनिंग या हेलो व्यूअर्स दैट्स वाओ स्टार सेकंड का भी इधर आ रहा है लेक शोर का ये इलाका भी अच्छा इस बार इलाके के बारे में बता देता हूँ ये इलाका बहुत हद तक शिकागो का जो कुछ एरियाज हैं उनसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है आप यहाँ जा रहे हैं समझिए आप शिकागो के किसी स्ट्रीट पे पुराने इलाकों में जा रहे हैं तो ये इलाका काफी काफी पुराना है इसकी मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं लेक शोर की अब ये रिवाइव हो रहा है जिस तरह पुराने इलाके हमेशा रिवाइव होते हैं आई मीन इस सेंस में कि अभी देखें ना मकानों की कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स को देखा करें लेफ्ट साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे देखें ये नई कंस्ट्रक्शन है इसकी ब्रिक्स का कलर कुछ और है राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं उस जमाने में और मेरे हिसाब से ये सारा 50s 60s 70s में बना होगा हो सकता पहले के भी कुछ इलाके हो पहले जो मकान हुआ करते थे वो एल्युमिनियम साइडिंग की तरह मोस्टली होते थे अब थोड़ा सा ब्रिक वनीर का या ब्रिक का एक काम शुरू हो गया है या ये लेकिन ये भी कोई ओरिजिनल असली किस्म की ब्रिक्स इस सेंस में नहीं होती इनके बीच आजकल जो बन रही है सॉरी ब्रिक वनीर ये पुरानी जो बिल्डिंग है वो पुरानी ओरिजिनल ब्रिक्स हुआ करती थी अब ये इलाका इसलिए रिवाइव हो रहा है ये देखिए ऑसमॉस करके ये फ्रेंचाइज है शवरमा की अरे LLPO भी कर दिया उन्होंने ओह माय गॉड शेयर लॉर्ड हालांकि हलाल शोरमा है लेकिन उसमें LLPO मुझे दोबारा याद हो बराबर वाले स्टोर का LLPO का था LLPO अगर आपको किसी रेस्टोरेंट के उसके ऊपर मिले तो वो है लिकर लाइसेंस बोर्ड ऑफ ओंटारियो आई बिलीव आप इसको गूगल कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट लिकर लाइसेंस बोर्ड ऑफ ओंटारियो समथिंग लाइक दैट तो अगर आपको LLPO नजर आए तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा वाला पानी भी मिलेगा जो आप समझते हैं हार्ड ड्रिंक चले सख्त भारी पानी तो ये है लेक शोर का ऑलरेडी 17 मिनट की होगी या 40-50 मिनट की होगी आई हैव नो आइडिया मैं बना रहा हूं आप देखें क्योंकि काटा पीटी जो है ना मैंने बीच में थोड़ी सी काटा पीटी करनी शुरू की अब ये लेफ्ट साइड पे यस आपको शायद प्लाजा नजर आ रहा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे पहले इस तरह के प्लाजे हुआ करते थे और अभी भी इस तरह के बन रहे हैं खैर लेकिन अब इन दुकानों का कामला खत्म हो चुका है सलवा शोरमा ऑन द लेफ्ट साइड मुझे इस तरह भी काफी लिपस्टिक्स मिली हैं अब मैं डोर टू डोर जाता हूँ अच्छा इसकी भी बता दूं कि रियल एस्टेट के अंदर लिस्टिंग का क्या हिसाब किताब होता है मोस्टली जो रेजिडेंशियल मकान होते हैं उनकी जिस तरह किचनर वाटरलू वगैरह की तरह हम लोगों को कमीशन कम मिलता है मोस्टली मकान जो है 2% पे लगे हुए होते हैं मिसागा ब्रैम्पटन GTA का ये जो इलाका है यहाँ 2.5% कमीशन होता है तो आप जब भी क्या नाम है मकान लिस्ट से आपका मकान है तो आप इसको जो सेलर होता है सेलर या लिस्टिंग एजेंट होता है वो 1% लेता है और जो कोऑपरेटिंग ब्रोकर CB कहलाता है कोऑपरेटिंग ब्रोकर जिस तरह मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ आई विल बी अ कोऑपरेटिंग ब्रोकर मेरी उसके जो ब्रोकर था उससे थोड़ी सी वो भी हो गई थी तो कमर्शियल की जो है ऑलमोस्ट 5% CB मिलता है यानी कि जो कोऑपरेटिंग ब्रोकर होता है उसको 5% वो मिलता है अगर 2 या 2.5 लाख की है तो अच्छा पैसा बन जाता है अब ये जो है ये जरा छोटा रेस्टोरेंट है 99,000 में लगाया है और ये गालिबन कोई गोरा रेस्टोरेंट है कोई इटालियन रहा होगा ग्रीक रहा होगा तो यहाँ कमीशन बहुत लो था तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा यार कमीशन तो बहुत ही लो है तो वो मैं क्या बोलूँ अब मुझसे यहाँ पर यूट्यूब पे
तो वो बुरा मन आ गया, फाफड़ किस्म का ब्रोकर था पुराना, एक्सेंट से लग रहा था वो कोई साउथ ईस्ट यूरोप की तरफ का। ये देखें ये सारे जो मकान है लेफ्ट साइड पे आपको, ये सारे जो नई कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, तो अब ये टूट टूट के जो है ना पुराने मकान या पुरानी जो भी वो थी उसको तोड़ तोड़ के इन्होंने नया बनाना शुरू कर दिया है। इन इलाकों की भी थोड़ी बहुत, ये लेफ्ट साइड पे भी जो बिल्डिंग गुजरी थी, मैंने इन तमाम जगहों पे डिलीवरियां की। उससे पहले ग्रीन एकर होटल था, वहां भी डिलीवरी की हुई है। तो बीइंग ए डिलीवरी ड्राइवर इन अ सेंस, क्योंकि आपका अपना पिज्जा स्टोर है, जब ड्राइवर अवेलेबल नहीं होगा डिलीवरी आपको करनी है, और काम में कोई शर्म नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट। तो मैंने इन इलाकों में, इन मकानों में, इन बिल्डिंगों में बहुत डिलीवरियां की हैं। गो अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, अब ऊबर ईट्स आ गया, स्किप द डिश आ गया, दूरदर्श आ गया, इस तरह के डिफरेंट जो है ना वो आ गए हैं, बड़ी कंपनियां कूद गई हैं और वो 30-35% यहाँ पर लेती हैं। अब यहाँ से जो है ना, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर फ्रंटों की, अब मैं आके यहाँ पर गड़बड़ाना शुरू कर देता हूँ। गड़बड़ाने से मुराद ये है कि आई लूज माई कॉन्फिडेंस। बीजी में ट्राम चल रही है, ट्राम भी आनी शुरू हो गई है, और यहाँ तक TTC की बसें आती हैं। TTC का मतलब क्या है? आई थिंक टोरंटो ट्रांजिट कॉरपोरेशन, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ आके ना मैं थोड़ा सा आई लूज माई, मैं ये थोड़ा सा साइड पे लगाऊंगा गाड़ी भी, ताकि मैं अपना बातों बातों में, इधर आई एम टू क्लोज, इधर आई एम लेफ्ट, क्योंकि मैंने वो देखने के लिए एक आध कॉमेंट, तो आई लॉस्ट द कंट्रोल। अच्छा जी, पहुँच गए भाजी, पहुँच गए। तो मैंने GPS अपना ऑन कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ के इन इलाकों में, मुझ सागर से ज़्यादा मुझे इन इलाकों में अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप जो कह लें नॉर्थ अमेरिका में, शिकागो में था, और शिकागो प्रिटी मच इस तरह, हालांकि हम सबब में वहाँ रहते, सबब में ही थे, लेकिन अब ये देखें ये बनाया हुआ पैटियो टाइप का बाहर बनाया हुआ, ये कोविड की नज़र हुई चूक हुई हर चीज़ें, अब ये खाने पीने के लिए इन्होंने ये बाहर बना दिया है। वेदर की मुनासबत से इन्होंने सारा वो लगा दिया है, क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, ड्रॉप शीट्स वगैरह कह लें या कुछ भी कह लें, कवर अप कर दिया ताकि सर्दी ना लगे। लेकिन यहाँ मुझे जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, आई फील लाइक दिस इज सिटी। मिसागा वगैरह जो है वो एक पॉश एरिया टाइप के तो कह सकते हैं, या ब्रैम्पटन, पॉश तो नहीं, खैर बहुत ही डिसिप्लिन था हम, चूँकि इन इलाकों में आँख खुली है तो हमें यही अच्छा लगता है। या वाह मज़ा आ गया, देखे ना बिल्डिंगे देखे, एक कल्चरल, एक हेरिटेज जिसे कहते हैं, या कुछ भी कह लें, एक रियल टच। अब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े मकान, आई एम ऑलमोस्ट देयर। बीच में जो है ये देखिए ट्राम की लाइन चल रही है, कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ कैमरा है, एक तरफ GPS है, फिर फ्रंट पे देखना, तो थोड़ा सा जो है ना 220 मीटर, मेक श्योर योर डेस्टिनेशन इज ऑलमोस्ट हियर। पाजी 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 बैस लें थे आजन्नवा। गड्डी ला दे, किथे जाना पाजी, टोटल पीनास बीच, लेक श्योर पीनास बीच, कड़ा कड़ा वाह। एड्रेस क्या है? ओके, सो आई हैव टू गो अ लिटिल बिट फर्दर। फैंटास्टिक हेल्थ एंड स्पा, लाओ जी आ गए थे, मसाज 43। ओके अच्छा ही ला दे यार। चले व्यूअर, COVID-19 क्लोज दे जी, मसाज तो बंद है, फैंटास्टिक हेल्थ एंड स्पा एनी हाउ। और ये क्या है 34 40। चले व्यूअर, मैं पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन पे, अराइव्ड एट
3443 Lakeshore Boulevard West. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, वापसी में जो दो एक और कमेंट है वो भी मैं गिरा दूंगा. तो मैं पहले करंट बनाऊंगा, करंट वीडियोस डालूंगा, उसके बाद पीछे की डालूंगा. चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट. जी व्यूअर्स, मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं ये रेस्टोरेंट जो है कौन सा है. तो ये है रेस्टोरेंट, साइन पूरा नजर नहीं आ रहा उसके, उसमें छुप गया है वो बाप जो एक्सप्रेस. ये 99,000 में लगा हुआ है किराया इसका. अच्छा, इन इलाकों में जो आसानी है सबसे बढ़कर ये कि किराए यहाँ पर कम होते हैं. जो जो आप फर्दर उसकी तरफ जाते जाएंगे टोरंटो की तरफ, तो आपको किराए जो है ज्यादा मिलेंगे. डाउनटाउन का एरिया टच हो जाएगा. यहाँ से डाउनटाउन मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट की ड्राइव होगी अगर आप लेक शोर, अगर ट्रैफिक नहीं है तो. 3421 लेक शोर रोड वेस्ट मींस यंग से ये 3421 वेस्ट की तरफ है. तो इससे भी आपको एड्रेसेस का पता लगेगा और मुख्तलिफ शहरों की जिस तरह एक डिवाइडिंग लाइन होती है, जिस तरह मिसागा का फरंटारियो है और तो इसी तरह टोरंटो का यंग स्ट्रीट है. तो वहाँ से ये इसका एड्रेस वेस्ट की तरफ 3421 है. अगर उसका ईस्ट लिखा होगा एड्रेस के ऊपर तो वो फिर ईस्ट ऑफ यंग स्ट्रीट होगा. तो ये 99,000 का लिस्ट हुआ है. कमीशन तो हमारा बहुत कम है इसके अंदर, लेकिन ये कोरियन एंड जैपनीज है तो डेफिनेटली अंदर से ये बड़ा वेल सेट होगा और किराया भी बड़ा रीजनेबल है. लगा बहुत दिनों से है तो जो मेरे क्लाइंट हैं वो ही इज़ वेरी मच एज यूनिक आइडिया. तो लेट्स सी, चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. जी व्यूअर्स, मैं यहाँ से निकला हूँ. अब आप देख लें यहाँ का लेक शोर का इलाका जो है. टैटू, यहाँ पर आपको टैटू टिपिकल गोरा स्टाइल. ओह माय गॉड, व्हाट अ चर्च, आई मिस्ड इट. स्पा नेल्स, 27th स्ट्रीट ऑन लेक शोर. मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा कोई मकसद नहीं आपको सर कराना. ये यहाँ पर एक अंबर कॉलेज है. थोड़ा सा आपको अंदर का भी दिखाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं है. ये अंबर कॉलेज जो है ये टोरंटो कैंपस आई बिलीव इस तरफ का जो है. यहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट्स है, बेतहाशा अच्छा बड़ा कैंपस है ये. ये देखें, ये है पुराना टोरंटो का स्टाइल. ये मकान जो है आपको नज़र आ रहे होंगे और ये पीछे इसके जो है ना लेक शोर है, लेक है. थोड़ा सा ये अंदर का नेबरहुड जो है ना, थोड़ा सा ग्रे स्काई है उसकी वजह से शायद वीडियो आई हैव नो क्लू कैसी आ रही होगी. छोटे छोटे मंचकिंस, इनको घुमाने के लिए निकली हैं लेक की तरफ. ये देखें जरा पुराना इलाका आप देख रहे हैं. इट्स अ ओल्ड 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 टोरंटो आई वुड से दैट. लेफ्ट साइड पे मकान टूट टूट के जो है ना खूबसूरत बन गए हैं. अभी भी इक्का दुक्का क्रिसमस की यादें यहाँ पर चल रही हैं. और ये ब्राउन्स लाइन का बेसिकली जो है, मुझे नहीं पता ये कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी कहलाती है, लेकिन बहुत ही पुराने मकान हैं.
11:28 ظہر کی اذان ہو گئی ہے. Mention like, you know, right side pe. I love to drive around like this. एक तो आपको नए इलाकों को देखने का मौका मिलता है, प्लस देखें ये बिल्कुल दूर आपको स्पेशल नजर ना आ रही. Let me try to show you guys. ये पीछे जो भी है ना, ये जो पीला पीला जो इसके साथ ही लेक है, ये समर में जो है ना, यहाँ पर एक अलग ही माहौल होता है. मेरा ख्याल है यहाँ से मैं सीधे ही निकल लेता हूँ. वीडियो भी कितनी हो गई है, नज़र भी नहीं आता है. और ये महंगे इलाके हैं, मैंने इसे अगर प्रॉपर्टी यहाँ की निकाली जाए तो सस्ती नहीं है. सब मिलियन से ऊपर के मकान हैं ये जितने भी. अक्सर लोग कहते हैं कि भाई प्राइस भी बताया करें. मोस्टली जो पुराने मकान यहाँ हो जाते हैं उनको तोड़ के जो है ना, फिर ये नए 2 यूनिट 3 यूनिट ये जैसे भी गुंजाइश है. ये एक बड़ा वो है, दोनों तरफ कार गैराज है, ये नया बना होगा. एक मिक्स किस्म की फीलिंग है. मोस्टली लोग जो है अपने कुत्ते टहला रहे हैं इस वक्त. खूबसूरत चर्च बनाया है. अभी देखें ना लेफ्ट साइड पे आपको नजर, ये देखें ये सारे टूटे हैं, ये आपको लकड़ी के फ्रेम नजर आ रहे हैं, तो ये नए मकान बन रहे हैं. मैं दोबारा ये घूम के अंदर से ये लेक शोर पे आ गया हूँ. मैं यहाँ से लेफ्ट बनाऊंगा और हीरो सर्टिफाइड बर्गर्स, आई बिलीव दीज आर हलाल बर्गर्स. चलें यार कॉफ़ी का एक सिप ही ले लें.